तो यार इतना खज्जल होने के बाद पूरे दिन से अभी मैं पिछले 3 घंटे से लगभग 3 घंटे नहीं 1 घंटा तो कर ही लो, पिछले 1 घंटे से बारिश में भीग रहा हूँ 1-1.5 घंटे से। तो यार फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनाने के लिए तो मैं पहुँच तो गया था, लेकिन फिर इतना भीग गया था, पूरा गीला हो गया, मन ही नहीं किया लाइसेंस बनाने का। अंदर जाके बैठा, ठंड लग रही थी, पूरे कपड़े गीले हो गए थे, और वहाँ पे टाइम लगना था यार, सही बताऊँ तो 6-7 घंटे कहीं नहीं गए, 6-7 घंटे वहाँ बैठता, गीला होता और बीमार होता। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, और यार मुझे वो कंपनी भी कुछ खास अच्छी लगी नहीं लाइसेंसिंग वाली, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ी बहुत अच्छी कंपनीज जो कि अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर लें और लाइसेंस प्रोवाइड कर लें, एक बार कंपेयर कर लेंगे बाकी ऑप्शंस को, फिर उसके बाद नहीं तो यहीं से आके या कहीं और से लाइसेंस बना लेंगे। तो यार बात तो यही है कि जिस दिन आपका कोई काम नहीं बनता उस दिन कोई काम मत करो, उस दिन घर पर बैठ जाओ और मैं से रेस्ट करूँ। और एक और चीज़ मेरे को काफ़ी लोगों ने बोली थी और आज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस कर ली कि हमेशा कैनेडा में एक छाता अपने साथ लेकर घूमना, और भाई आज के बाद तो मैं बिना वेदर फोरकास्ट दिखे कहीं नहीं जा रहा। बस हो गया यार, अभी मैं जाके गर्म पानी से नहा के जी मैं कुछ जॉब्स अप्लाई करूँगा रिटेल स्टोर्स वगैरह में, और इस वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँगा और सो जाऊँगा मैं इसे, और बाकी कल देखते हैं करते हैं कुछ या नहीं करना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ऑफ माय वीडियोस। आज हम आए थे कॉलेज में, पर थोड़ा सा सीन हो गया हमारे साथ, कॉलेज वालों ने टाइमिंग चेंज कर दी यार। पहले मेरा कॉलेज था ट्यूसडे एंड सैटरडे को, और आज जब मैं कॉलेज जाके मेरे स्केड्यूल चेक किया सो दे हैड ऑटोमेटिकली अपडेटेड दैट टू थर्सडे एंड सैटरडे। सो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जाके कहीं जॉब्स वगैरह अप्लाई कर लीजिए, और बैंक का भी एक छोटा सा काम था स्कोशिया बैंक में, सो मैंने सोचा वही करवा लेते हैं, लेकिन आज बैंक भी बंद है एंड स्टोर्स भी बंद है सारे, तो मैंने सोचा कि यार कुछ काम तो हो नहीं रहा सो व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम खड़े हैं मिसिसागा में, टर्मिनल पता नहीं कौन सा ही है, एंड हमारे पीछे ये बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं एंड रेस्टोरेंट्स हैं, और इस साइड पर अगर हम देखें तो पेट्रोल पंप एंड ऑल वो सब चीज़ें। तो यार इलाका अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी सही जगह है, अभी जहाँ पर हमारा कॉलेज है वो पूरा एड टेक वाला इलाका है, वहाँ पर सिर्फ एड टेक कंपनीज़ और बाकी जो हमारी आईटी कंपनीज होती हैं वो सब हैं। सो मेरे को आईटी में भी एक्सपीरियंस है काफ़ी इंडिया में, 1-1.5 साल मैंने काम करा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगर मैं एज अ पार्ट टाइमर में किसी आईटी कंपनी कोई ज्वाइन कर सकूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए एज स्टूडेंट। लेकिन यार एक छोटी सी दिक्कत होती है यहाँ पे कंपनीज़ की, कि जो आईटी कंपनीज वगैरह होती है यहाँ पर या फिर और जो कंपनीज होती हैं वो फुल टाइम पर्सन्स को हायर करती हैं, क्योंकि उनको 9 to 5 पूरे 7-8 घंटे काम देना होता है, तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं वहाँ पे एज अ पार्ट टाइम जॉब करना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए कंपनीज वगैरह में तो अभी मैंने ट्राई भी नहीं करा, सो मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी की कंपनी में पार्ट टाइम ओपनिंग अवेलेबल होती है तो वहाँ पे ट्राई करूँगा। एंड यार बस यही है, आज अगर मैं वेदर की बात करूँ सो वेदर काफ़ी ठंडा था, कल बारिश हुई थी एंड आज बारिश वगैरह तो नहीं है लेकिन बादल चढ़े हुए हैं और वहाँ चल रही ठंडी ठंडी काफ़ी। सो कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा रहेगा, आज मेरा वैसे शूटिंग करने का मन नहीं था मैं बात करूँ तो, लेकिन फिर यार कोई काम बना नहीं आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं, और कुछ कंटेंट था नहीं मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा जो चल रहा है लाइफ में वही
थोड़ी बहुत ही बातें कर लेते हैं इसमें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आसपास का इलाका, थोड़ा सा एक क्लिप बनाकर मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। एंड यार अभी मैं एक सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी सीरीज़ बनाई जाए यूट्यूब पे, जैसे जिस पे मैं प्रोसेस बताऊँ कि प्रोसेस कैसे रहता है स्टडी का, आईलेट्स की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो किसी कंट्री के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए अपनी आइल्स प्रिपेयर करते टाइम। और अगर आप मेरी तरह मतलब आपके पास फंड्स नहीं है शो करने को और आप फिर भी किसी फॉरेन कंट्री में अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहते हो तो लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका लोन पहले अप्रूव नहीं हुआ है वो डिसअप्रूव हो गया तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप जिनको अपना के अपना आसानी से लोन अप्रूव करवा सकते हो। तो एक छोटी सी सीरीज़ बनाने का आइडिया है मेरे दिमाग में, तो अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ और इन फ्यूचर जल्दी ही मैं एक वीडियो सीरीज़ लेकर आऊँगा। सो अभी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे आसपास की क्लिप्स दिखा देता हूँ। वेलकम बैक। तो अभी हम खड़े हैं स्कोशिया बैंक के सामने। तो यार छोटा सा स्कोशिया बैंक का काम था मेरा, मैंने अभी GIC अकाउंट अपना ओपन करा, लेकिन जब मैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए पासवर्ड और ईमेल आईडी को पासवर्ड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय यूजिंग माय ईमेल आईडी एंड कार्ड नंबर, सो इट्स नॉट पिकिंग अप माई कार्ड, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। मैंने कस्टमर सर्विस पे भी कोशिश करी कॉल करने की, लेकिन उन्होंने भी कुछ ढंग से रिस्पॉन्स किया नहीं, तो मैंने सोचा कि ब्रांच को ही विज़िट कर लेते हैं। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो सो दैट्स रोड, मेरे कॉलेज वाली साइड जा रही है विच इज़ एलकोमा यूनिवर्सिटी मिसिसागा कैंपस। इस समय मैं मिसिसागा में ही खड़ा हूँ, और ये जो पीछे वाली बिल्डिंग्स अगर आपको दिख रही हैं तो ये सारा IT हब है यहाँ कनाडा का, और मैं यहाँ पर स्कोशिया बैंक की ब्रांच के सामने खड़ा हूँ। तो यार अभी आधा घंटा लग जाएगा बैंक को ओपन होने में, 15 मिनट लग जाएंगे, सो मेरे पास करने को कोई काम भी नहीं है। एंड लेट्स पास सम टाइम है। अभी यार सुबह सुबह का टाइम है तो लगभग सारी चीज़ें बंद हैं, तो मैं कहीं जाके कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता, ना ही किसी जगह जाके जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। अभी एक हायरिंग एजेंसी दिखी थी मुझे यहीं पास में, वो भी इस समय उनका ऑफिस भी बंद है, मैंने कॉल भी किया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाए। सो 11 बजे के साथ यहाँ पे सब कुछ खुलती है मार्केट वगैरह, तो उसको तो अभी काफ़ी टाइम बचा है, सो मैं घर चला जाऊँगा, उसके बाद देखता हूँ वापस जाके किसी एजेंसी को कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो या और तभी भी फिर मैं कुछ वीडियोस वगैरह अगर पॉसिबल हो पाया सो बनाऊंगा कि एजेंसी को कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं और हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब। फ़िलहाल तो मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है और इट्स माय सेकंड डे जब मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि डायरेक्ट कंपनी के पेरोल में भी हैं और कुछ एजेंसीज के थ्रू भी काम कर रहे हैं, सो उन सब से भी मैं कॉन्टैक्ट में हूँ अभी, सो कहीं ना कहीं तो आई थिंक अभी जॉब मिल जाएगी। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी फोकलिफ्ट का लाइसेंस भी बनाने की, सो वो जब मेरा बन जाएगा सो उसके बारे में भी मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग्स जो होंगी वो आप सबके साथ शेयर कर लूँगा। सो स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। सो यार मुझे अभी एक और आइडिया आया कि एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप कनाडा में आ रहे हो सो आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि यहाँ पर मतलब जगहों के नाम नहीं होते, किसी भी अगर आप जगह जाना चाहते हो सो आपको उसका टर्मिनल याद रखना पड़ेगा। सो टर्मिनल इज़ अ जंक्शन दैट इज़ मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स। जैसे इस समय मैं खड़ा हूँ डिक्सी रोड और एलिंगटन टर्मिनल, एलिंगटन एवेन्यू टर्मिनल पर। सो अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हाउ वी कैन डिटरमिन द नेम ऑफ अ टर्मिनल। अगर आप किसी जगह खड़े हो
और अपनी लोकेशन किसी को बताना चाहते हो, सो हाउ कैन यू डिटरमिन दैट एट व्हाट टर्मिनल यू आर स्टैंडिंग? सो लेट्स सी। देखो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये जो मेरे सामने है, ये जो रोड राइट टू लेफ्ट जा रही है, दिस इज डिक्सी रोड, और ये जो यहाँ से डायगनली जा रही है, दैट इज़ एलिक्टन एवेन्यू। सो ये जो टर्मिनल है, ये जो इन दोनों रोड से बन रहा है, इसका अगर आपको किसी को लोकेशन बतानी होगी तो आप बोलोगे आई एम स्टैंडिंग एट डिक्सी एलिक्टन टर्मिनल। सो वो समझ जाएंगे कि आप इस जगह पर खड़े हो। सो अगर आपको कहीं गुम हो गए हो या किसी को पिकअप के लिए बुला रहे हो, सो ऐसे वो मैप्स पे भी लोकेशन डाल के आपकी इस जगह पर आ सकते हैं। सो या दैट वाज सम इंफॉर्मेशनल टिप फॉर यू गाइस। सो यार मैं बैंक से बाहर आ गया हूँ और मुझे पता लगा कि एक्चुअली मुझे बैंक में जाने की ज़रूरत थी नहीं, बस वो जो बंदा था जिससे मैंने पहले बात करी, कस्टमर केयर ऑपरेशंस वाला, वो नल्ला था, उसको पता नहीं लगा कि कार्ड को जनरेट कैसे करना है पासवर्ड। तो अभी भी उन्होंने यही बोला कि ऑनलाइन आप कस्टमर केयर वालों से बात कर लो, सो वो आपको जनरेट करवा देंगे। सो वो मैंने किया, उसने पूरा गाइड किया और वो जनरेट हो गया। सो या चलो, लेकिन बाकी सब काम तो हुए नहीं, कॉलेज भी नहीं था, लेकिन एक काम तो हो गया। सो अभी हम जा रहे हैं फिर से बस लेने के लिए बस स्टॉप पर, वहीं से बस लेंगे और चले जाएंगे अपने घर को। तो यार एक बात मैंने और करनी थी आपके साथ कि यहाँ पर आके मैंने एक बात सुनी है कि अगर आप यहाँ पर एज अ हैंकी यूज़ करते हो अपने आप को, मतलब फेस वगैरह साफ़ करने के लिए या कुछ भी किसी भी काम के लिए, सो अगर आप यहाँ के नेटिव पर्सन के सामने हैंकी यूज़ कर रहे हो तो वो आपको ये समझने लगते हैं। सो आई डोंट नो इज़ दिस र्यूमर राइट और रॉन्ग, बट या आई हैव हर्ड दैट। सो अगर आप में से कोई फ्यूचर में ये वीडियो देखता है और आपको इसके बारे में सच पता है, तो काइंडली शेयर विद मी, आई वुड लाइक टू हेयर द ट्रूथ अबाउट दिस र्यूमर। सो ऑल राइट, सो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं अगली बस हमें कहाँ से मिलेगी। और अभी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बसेस को कैसे लेते हैं हम कनाडा में, किस टाइप से हम मैप्स को देखते हैं। मैं तो भाई एक बार गुम हो गया था बस देखते देखते, वो बढ़िया हुआ कि अपने इंडिया के ही कुछ लोग मुझे मिल गए जो मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर दिए जिन्होंने। सो ये कभी आपके साथ ना हो और आप कभी गुम ना हो, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा हाउ टू यूज़ बसेस इन कनाडा। सो काइंडली यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। ओके, सो अभी मैं मैप्स चेक कर लेता हूँ, वन सेकेंड।